बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी हनी कॉम की रेसिपी दिखाऊंगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है, बच्चे लोग भी बहुत शौक से खाती है। तो इसी वजह से मैंने कहा चले, मैंने एक बाउल ले ली थी, उसमें 2.5 कप मैंने फुल मैंने मैदा डाली थी। देखिए ये 2.5 कप मैदा है, इसमें शुगर 1 टेबलस्पून डाली, मिल्क पाउडर 4 टेबलस्पून हमने डाले, और बेकिंग सोडा जो है वो मैं 1 टीस्पून डाली, और हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब सॉल्ट डालेंगे देखिए ये, और मैं इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर हम डालेंगे। डाल के अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट को आप मिक्स कर लें, और हमने यीस्ट जो है, जो यीस्ट की पैकेट आती है वो है 1 टेबलस्पून है, ये यीस्ट की पैकेट मैं ये एक पैकेट डाल दी थी। ड्राई इंग्रेडिएंट को आप मिक्स कर लें। करने के बाद मैंने बटर ली थी, 1/4 कप बटर मेल्ट करके ये भी मैं डाल दी। डाल के अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। इसमें हमें चाहिए है तकरीबन पानी, वार्म वाटर 1 कप के करीब, और मैंने 1/2 कप के करीब मैंने योगर्ट डाली। तो योगर्ट आप पहले डाल दें, गूने और फिर वाटर डालें, जितना ज़रूरत है मिक्स कर लें। मैंने पिछले ऐसे पे बता दी, भूल गई थी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने 2 आवर्स के लिए रख दी थी। अब देखिए मैंने क्रीम चीज़ छोटी छोटी पीस में मैं कट करी, कट करके मुझे ज़रा सा ज़्यादा अच्छा पसंद है इसलिए मैंने बड़ी थोड़ी डाली, आप इससे भी छोटी डाल सकती है। इस तरह से डाल कर बंद करके मैं ट्रे में आप ऑर्गेनाइज कर दें, ट्रे को थोड़ी सी आप उस पर बटर लगा लें, लगा कर इसको थोड़ी सी कैप से रख दें, थोड़ी देर बना कर इसको रख देंगे तो ये फूल के फिर थोड़ी और बड़ी हो जाएगी ना। इस भी डाल के रखी, तो मैंने 2 पैच बनाई थी। अब इसको मैं ऊपर से मिल्क हल्की सी लगा ली क्योंकि कलर आ जाएंगे, एग से स्मेल आती है, हमारे बच्चों को नहीं पसंद, इसलिए मैंने एग्स नहीं डाली। ये मैंने चीनी की चाशनी बनाई थी, 1 कप शुगर एंड 1 कप वाटर ये बना के रोस्ट वाटर के साथ रख दी थी। अब इसको मैंने बेक करी थी, ये तकरीबन 20 मिनट्स में बिल्कुल रेडी हो गई। आप देख ले कलर इसकी चेंज हो गई। मैं एक ट्रे में मैं कलौंजी डाली थी, एक में मैं सेसमी डाली थी, दो तरह से बने। अब चीनी की चाशनी को अच्छा से ऊपर से मैंने ब्रश की मदद से आप बहुत अच्छी तरह से इसको ढाल दें, देखिए अच्छी तरह से ग्लेस हो जाएगी। कोई को ज़्यादा पसंद है तो और आप ज़्यादा भी ऊपर से ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से ये आपकी रेडी हो जाएगी। इसको हनी के साथ भी लोग खाते हैं। इस तरह बनाने के बाद मैंने इस तरह से देखे, ये मैंने सेसमी से बनाई और एक मैंने कलौंजी डाल के बनाई थी। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।